मैं मनोज कुमार ग्रीनडस्ट की ओर से आपको कन्वेक्शन मॉड्यूल की डेमो देने जा रहा हूँ। कन्वेक्शन मॉड्यूल में तीन फंक्शंस होते हैं, माइक्रो, ग्रिल और कन्वेक्शन। माइक्रो होता है कुकिंग से रिलेटेड जो भी चीजें होती है बनाने के लिए, ग्रिल होता है रोस्टिंग से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, कन्वेक्शन होता है बेकरी से रिलेटेड जो भी आइटम्स है जैसे कुकीज पिज्जा वगैरह बनाने के लिए। अब मैं इसकी पूरी डेमो देने जा रहा हूँ आपको। इसको आप सबसे पहले, इसमें एक रिवॉल्विंग रिंग और प्लेट होती है जिसको कि हमें लगाना जरूरी होता है ताकि एक यूनिफॉर्म हीटिंग आ सके। ये रोटेट करता है। पहले हम रिंग लगाएंगे, नीचे रिंग के ऊपर हम प्लेट रखेंगे। इस प्लेट में कट्स दिए गए हैं। इस कट्स को आप अंदर साफ्ट है उस साफ्ट में प्रॉपरली सही तरीके से फंसाएंगे जिससे कि इसका मूवमेंट स्मूथ हो सके। आपको इसके आगे के फंक्शंस बताने जा रहा हूँ, लेकिन इसके फंक्शंस बताने के लिए मुझे इसको चलाना पड़ेगा, जिसको अगर हमें ध्यान रखना है कि हम इसको खाली ना चलाएं, तो इसके लिए मैं एक ग्लास पानी इसके अंदर रख रहा हूँ। अब हम जाते हैं जो इसका फर्स्ट फंक्शन है माइक्रो। माइक्रो के लिए आप सीधा ये रिवॉल्विंग रिंग दिया हुआ है, इसको आप रोटेट करेंगे तो आपके पास 900 वॉट्स लिखा हुआ आएगा जो कि इसकी मैक्सिमम हीटिंग है। जैसे आप गैस को कम ज़्यादा करते हैं वैसे ही आप इसकी हीटिंग को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ही आपका 900 वॉट्स लिखा हुआ आएगा तो आप इसको आप एंटर करेंगे स्टार्ट का बटन दबा के। जैसे ही आपने स्टार्ट का बटन दबाया तो ये स्टेबल होने के बाद आप इसको रोटेट करेंगे तो इसके वॉटेज वेरी करेंगे। 900 वॉट्स जो कि इसकी 100% हीटिंग है, 180 वॉट्स जो कि इसकी 20% हीटिंग है, 360 वॉट जो कि इसकी 40% हीटिंग है, 540 वॉट जो कि इसकी 60% हीटिंग है, 720 वॉट्स जो कि इसकी 80% हीटिंग है। तो हमें डिसाइड करना है जो चीज़ हम पका रहे हैं हमें उसको कितनी तेज आंच पे पकाना है। तो इसके लिए हम इसमें रखेंगे, टाइम सेट करेंगे, एंटर करेंगे, दोबारा हम इसको टाइम सेट करेंगे और स्टार्ट कर देंगे। हम इंतज़ार करेंगे कि कब तक हमारा टाइम ख़त्म होने के बाद हमारा खाना कब तक बन के तैयार होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप बीच में खोल के देख लें कि हमारा खाना बना है नहीं बना है, तो इसमें स्टॉप और क्लियर का एक बटन दिया हुआ है। आप स्टॉप और क्लियर को आप प्रेस करेंगे, पॉज हो जाएगा आपका फंक्शन, आप खोल के देख लेंगे बना है या नहीं बना है। अगर ये बन चुका है तो ठीक है, अगर नहीं बना है तो आप दोबारा इसको रिमेनिंग टाइमिंग से स्टार्ट कर देंगे। अभी हम आपको दूसरा फंक्शन बताने जा रहे हैं जो कि इसका ग्रिल है। उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। आप इसका डायलर को रोटेट करेंगे, एक सिंबल आ रहा है, ये सिंबल इंडिकेट करता है माइक्रो के लिए, दूसरा सिंबल आता है ये इंडिकेट करता है ग्रिल के लिए। प्रोसेस वही है। आप इसको ग्रिल में कोई हीटिंग वोल्टेज नहीं है, सिंपली इसमें 2000 वाट किलो वाट का हीटर लगा हुआ है जो कि काम करता है। उसके लिए सीधा आप स्टार्ट का बटन दबाएंगे, प्रोग्राम स्टेबल हो जाएगा, टाइम डालेंगे जो भी आपको टाइम डालना है और स्टार्ट कर देंगे। इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले आप देखेंगे कि आप क्या बनाना चाहते हैं। सपोज़ आप पनीर टिक्का वगैरह बनाना चाहते हैं तो पनीर टिक्का बनाने के लिए हमें कुछ एसेसरीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमारा बारबेक्यू। ये बारबी क्यूब इसके अंदर रोटेट करती है जिससे कि चारों तरफ यूनिफॉर्म हीटिंग डेवलप होती है। इसको हम कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए मुझे एक ग्लास निकालना होगा अंदर से पानी का। पनीर टिक्का आप बना रहे हैं, आप मैरिनेट करके पनीर को इसके अंदर फोक कर सकते हैं, करके आप इसमें दिए गए स्लॉट्स में इसको लगाएंगे इस तरीके से और इसको बंद कर देंगे। और आपने टाइम वगैरह आपने सेट किया हुआ है, सेट करके आप सीधा स्टार्ट का बटन दबाएंगे। आप देखेंगे कि अंदर की जो बारबी क्यूब है वो रोटेट कर रही है। तो आप ध्यान रखेंगे कि है ना, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो टाइम की एक्यूरेसी आपको नहीं होगी। तो आप इस ग्लास में से देख सकते हैं कि आपका मटेरियल सही तरीके से बन रहा है नहीं बन रहा है या जल रहा है। इनकेस जल रहा है तो वही प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे जो पहले मैंने आपको बताया है, स्टॉप का। स्टॉप करते ही पॉज हो जाएगा, खोल के आप देख लेंगे बन गया है कि नहीं बना है। अगर बन गया है तो आप फंक्शंस को क्लियर करके, बारबेक्यू निकालने के लिए एक हैंडल दिया गया है, इस हैंडल की से आप बारबेक्यू को निकाल लेंगे।
इस हैंडल से निकालने का पर्पस ये है कि बारबेक्यू आपकी काफी गर्म होती है, जिस वजह से आप इसकी हेल्प लेंगे। इसके साथ एक एसेसरीज और आती है, हाई रैक। इस रैक का पर्पस होता है कोई भी रेसिपी को आपके हीटर के नजदीक लेके आना, क्योंकि हीटर का जितना नजदीक होगा उतनी जल्दी वो रोस्ट होगा आपका। सपोज इसको आप ऐसे रखेंगे, आप ब्रेड रोस्ट करना चाहते हैं, आप इसको ऐसे रखिए और इसके ऊपर आप ब्रेड रखेंगे। ब्रेड रख के आप इसको, प्रोसेस वही है, बंद करेंगे, डायलर से सेट करेंगे, ग्रिल फंक्शन एंटर करेंगे, टाइम सेट करेंगे और स्टार्ट कर देंगे। लेकिन टाइम की एक्यूरेसी आपको ना होने के कारण पहली बार आप यूज़ कर रहे हैं, तो बीच में आप स्टॉप करके एक एक बार चेक भी कर लेंगे कि हुआ है या नहीं हुआ है। इसमें आप जब ब्रेड रोस्ट कर रहे हैं तो आप देखेंगे एक बार एक साइड से ही रोस्ट होगा, दूसरी साइड से रोस्ट करने के लिए आपको ब्रेड पलटनी पड़ेगी। अब मैं आपको इसके तीसरे फंक्शंस के बारे में बताना जा रहा हूँ, जो कि कन्वेक्शन है, जो कि बेकिंग पर्पस के में यूज आता है। अगर आप पिज़्ज़ा बनाना चाह रहे हैं या कुकीज बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे इसके साथ एक एसेसरीज आती है, लोरेक और ये टफन तवा। इसमें हम इसको, लोरेक को यहाँ पे रखेंगे ग्लास के ऊपर, और पिज़्ज़ा अगर हम सपोज बना रहे हैं तो पिज़्ज़ा इसमें रखेंगे। इसको रखने से पहले हमें इसको प्रीहीट करना पड़ता है, माइक्रोवेव को प्रीहीट करना पड़ता है। वो हम कैसे करेंगे, तो प्रोसेस वही है, सीधा आप जाइए डायलर पे, रोटेट कीजिए, एक फैन मार्क आएगा जो कि कन्वेक्शन का है, इसमें लाके आप इसको एंटर करेंगे, स्टार्ट का बटन दबा के। एंटर करने के बाद आप डायलर को रोटेट करेंगे तो आपके पास लिखा हुआ आता है, आपके सामने लिखा हुआ आता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड, 190 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देख लेंगे इसको कितने डिग्री सेंटीग्रेड आपको इसमें टेम्परेचर मेंटेन करना है, वही टेम्परेचर आप स्टेबल करेंगे और सीधा स्टार्ट का बटन दबा देंगे दो बार। आपने दो बार स्टार्ट का बटन दबाया तो अब ये चलता रहेगा जब तक इसमें 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो। जब इसमें टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तो इसका टेम्परेचर आपका ब्लिंक करेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको कम टेम्परेचर पे। ये देखिए इंडिकेशन आ गया, इस पे लिखा आ रहा है प्रीहीटेड, ठीक है। तो इसके लिए आप अपना सामान इसके अंदर, अभी हमें कोई भी पिज़्ज़ा अगर हम बना रहे हैं तो पिज़्ज़ा हमने इसके अंदर रखना है, तो हमने मटेरियल अपना रेसिपी तैयार कर ली है। पॉज करेंगे, पॉज करके आप इसको खोलेंगे, खोल के सबसे पहले आप लो रैक रखेंगे, लो रैक रखने के बाद आप तवा रखेंगे जो कि जिसमें कि पिज़्ज़ा वगैरह जो भी आपको रेसिपी बनानी है वो रखेंगे, बंद करेंगे। अब हम स्टार्ट का बटन तब दबाएंगे जब हम इसमें टाइमिंग सेट कर लेंगे, तो उसके लिए हमें सीधा रोटेट करेंगे, हमें जो भी टाइमिंग सेट करना है टाइमिंग सेट करके स्टार्ट कर देंगे हम। अगर श्योर नहीं है आपने टाइमिंग गलत सेट कर दिया है या कम हो गया है, ज़्यादा हो गया है, तो प्रोसेस वही है, पॉज करके आप चेक कर लेंगे कि आपका रेसिपी बनी है नहीं बनी है। अब इसके आपको तीनों फंक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। अभी आप देखेंगे कि हमें है ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कुक भी करनी पड़ती है और रोस्ट भी करनी पड़ती है, कुक भी करनी पड़ती है या बेक करनी पड़ती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ चिकन, चिकन रोस्ट करना है तो चिकन को आप, फॉर एन एग्जाम्पल चिकन रोस्ट आपको करनी है तो चिकन को आपको कुक भी करना है प्लस रोस्ट भी करना है, तो उसके लिए भी इसमें फंक्शन दिया गया है। उसके लिए आप सीधा डायलर रोटेट कीजिए, पहले आप देखेंगे माइक्रो आ गया, ग्रिल आ गया, कन्वेक्शन आ गया है। फोर्थ टाइम जब रोटेट करेंगे स्लाइटली आप, तो देखेंगे दो इंडिकेशन आ रहा है। फर्स्ट इंडिकेशन इंडिकेट करता है माइक्रो, सेकेंड इंडिकेशन इंडिकेट करता है ग्रिल। अब ग्रिल में आपको कितने परसेंट कुक चाहिए वो कुकिंग आप सेट करेंगे एंटर करके। फिर दोबारा एंटर करेंगे टाइमिंग डालने के लिए और स्टार्ट कर देंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें आपकी चीज कुक भी हो रही है और प्लस रोस्ट भी हो रही है। कुकिंग आपकी यूनिफॉर्म होती रहेगी, रोस्टिंग के लिए आपको बीच बीच में पॉज करके आपकी अपनी रेसिपी को पलटना पड़ेगा। चिकन रोस्ट कर रहे हैं तो आप बारबेक्यू की हेल्प ले सकते हैं,
और अदरवाइज दूसरी चीज़ और कोई रेसिपी आप बनाना चाहते हैं तो उसमें आप खोलिए, पलटिए, फिर दोबारा आप स्टार्ट कीजिए। अब आते हैं हम इसका लास्ट फंक्शन पे, सेकंड लास्ट फंक्शन पे, जो कि है आपका कॉम्बिनेशन, कन्वेक्शन कॉम्बिनेशन, जिसमें आप बेकिंग और कुकिंग दोनों एक साथ कर सकते हैं। जैसे आप फ्रेंच फ्राइज ले लीजिए, अगर फ्रेंच फ्राइज बनाना है तो आपको कुक बेक भी करना है प्लस कुक भी करना है, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। डायलर रोटेट कीजिए, ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा, इंडिकेशन आ जाएगा आपका माइक्रो और कन्वेक्शन। एंटर कीजिए आप इसको, वो हीटिंग वॉटेज, कुकिंग वॉटेज सेलेक्ट कीजिए, फिर दोबारा एंटर कीजिए, कन्वेक्शन वॉटेज एंटर कीजिए डिग्री सेंटीग्रेड, दोबारा प्रेस किया, एंटर कीजिए। अब आप टाइमिंग सेट कर रहे हैं फाइनल टाइम, और स्टार्ट कर देंगे, जो कि आपकी कुकिंग प्लस बेकिंग दोनों चीज़ एक साथ हो रही है साइमेंटेनसली। कभी माइक्रो चल रहा है आपका इसमें, कभी आपका इसमें कन्वेक्शन चल रहा है। अब आते हैं हम सात फंक्शंस, एडिशनल फंक्शंस जो इसके साथ दिए गए हैं, चारकोल, इंडियन ब्रेड बास्केट, बेकरी, न्यूट्रीकेयर, इंडियन रसोई, 24 आवर्स, जस्ट फॉर यू। ये बटन्स तो दिए गए हैं, इनकी रेसिपीज आपके माइक्रोवेव के पैन कैविटी पे मेंशन करी हुई है। आप सपोज कीजिए आप कुछ भी चीज़ जस्ट फॉर यू यूटिलिटी कॉर्नर में से कोई भी एक रेसिपी सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे बेबी फूड हो गया है आपका, तो बेबी फूड आपका 5 नंबर पे है, तो वैसे ही आप यूटिलिटी कॉर्नर, जस्ट फॉर यू यूटिलिटी कॉर्नर प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही टर्न टू डायल लिखा हुआ आता है, हम इसको डायल करते रहेंगे जब तक 5 नहीं आएगा, क्योंकि हमने 5 नंबर सेलेक्ट किया है बेबी फूड के लिए। हमने प्रेस किया, बंद किया दरवाज़ा, सेलेक्ट किया, स्टार्ट किया, केजी सेंटर करेंगे, ग्राम कितने ग्राम है, फिर स्टार्ट कर देंगे। उस ग्राम्स के अकॉर्डिंग टू और सेलेक्टेड रेसिपीज के अकॉर्डिंग टू अपने आप टाइम डिसाइड कर लेगा कि किसको कितना टाइम चाहिए। हमने जो टाइम सेट किया है, कई बार टाइमिंग एक्यूरेसी हमारी आ नहीं पाती, उसका रीज़न होता है हमारा एनवायरनमेंट टेम्परेचर, सर्दी और गर्मी की वजह से। गर्मी में कोई चीज़ हमारी जल्दी बन जाती है, सर्दी में वही चीज़ हमारा ज़्यादा टाइम लेती है, तो इसलिए प्रैक्टिकली है आप करते रहेंगे तो आपको टाइमिंग एक्यूरेसी अपने आप आ जाएगा। इसी में बेकरी है, चारकोल है, 24 आवर्स है, आप सेलेक्ट करना है आपको फंक्शंस, जो भी रेसिपीज आपको चाहिए वही रेसिपी। सपोज कीजिए आपको इंडियन रसोई में राइस डिलाइट चाहिए, 3 नंबर पर राइस डिलाइट आपका लिखा हुआ है, तो आप वही इंडियन रसोई दबाएंगे, एंटर करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, केजीस ग्राम सेट करेंगे कितना ग्राम है, और स्टार्ट कर देंगे। टाइम वो अपने आप ले लेगा अकॉर्डिंग टू वेट और रेसिपी के। अब हम आते हैं इसको मेंटेन करने के लिए, इसको कैसे हम इसकी साफ सफाई करेंगे। देखिए साफ सफाई के लिए हम इसमें कोई स्क्रबर वगैरह नहीं यूज करेंगे, साफ सफाई के लिए हम सीधा सा एक बाउल लेंगे, बाउल में पानी लेंगे, उस पानी में आप मीठा सोडा बेकिंग पाउडर डाल देंगे, बेकिंग पाउडर को डाल के इसके अंदर रख देंगे, आप इसको चला देंगे माइक्रो फंक्शन पे, माइक्रो फंक्शन पे आप चला दीजिए इसको, तो अंदर एक स्टीम बन जाती है और ठंडा होने दीजिए उसको, स्टीम स्वेटिंग्स में डेवलप हो जाएगी, जैसे ही स्वेटिंग्स में स्टीम डेवलप्ड हो जाएगी तो आप उसको सूखे कपड़े से वाइप अप कर दीजिए, जिससे कि आपका माइक्रोवेव अंदर से साफ हो जाएगा। आप स्क्रबर वगैरह अगर आप इस पे यूज करेंगे तो स्क्रैचेस आ जाते हैं, जो कि आपकी कैविटी को डैमेज कर देता है, तो आप ध्यान रखेंगे माइक्रोवेव यूज करते वक्त। एक तो माइक्रो फंक्शन में यूटेंसिल, सेफ यूटेंसिल ही यूज करेंगे, ग्रिल फंक्शंस में आपका रोस्टिंग के लिए हो गया है, कन्वेक्शन फंक्शन में आप बेकिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो बनाएंगे।